बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने टीकमगढ़ से एक कार्यक्रम समृद्ध भारत में सनातन की भूमिका की शुरुआत की है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां है वो वहीं रहेगा। किसी को भी भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना में पाकिस्तान में जैसे हिंदू रहते हैं वैसे भारत में मुसलमान भी रहेंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो अपना पासपोर्ट जरूर बनवा कर देंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार मांग कर रहे हैं और अपने मंच के माध्यम से हर कार्यक्रम में भी कह रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने टीकमगढ़ से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है समृद्ध भारत में सनातन की भूमिका। इस कार्यक्रम में उन्होंने समाज के बुद्धिजीवी और जनता से सवाल जवाब किए। उन्होंने कहा है कि टीकमगढ़ के मुस्लिम पत्थर नहीं बरसाते, इनसे सीख लेना चाहिए। पंडित जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुस्लिम जहां है वहीं हिंदू राष्ट्र की कल्पना में जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उसी प्रकार भारत में भी मुसलमान रहेंगे। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी की बपोती नहीं है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। से भरा पड़ा इस बात को अगर कोई समझे ना, हमें लगता है कि वर्तमान में भारत की जो गृह युद्ध की स्थिति बन रही है ना, आपको सबको बताते हुए हम आपको बता दें कि हमारे अंतर मन में क्या चल रहा है। हमारे मन में चल रहा है कि भारत में अंतर ग्रह की जो स्थिति निर्मित हो रही है। ये प्रोग्राम शुरू करने का हमारा उद्देश्य ही यही है कि यह गृह युद्ध की तरफ भारत ना जाए। सनातन धर्म, संविधान और विज्ञान, आपको बता दें कि ये सब सनातन धर्म से ही उद्भवित है। सनातन धर्म ने ही जो आचार संहिता लिखी उसका ही नाटक रूपांतरित करके विज्ञान। अच्छा, विज्ञान में आप मानते हैं टीवी, मानते हैं विज्ञान और टीवी बनाई, बिल्कुल। या फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा अगर आप विज्ञान के छात्र हैं कि टीवी आपने आज बनाई, हमारे सनातन में 5000 साल पहले वीडियो कॉलिंग व्यवस्था थी। संजय ने दिव्य दृष्टि से देखकर महाभारत का लाइव प्रसारण दिखाया था। आप मानते हैं कि आपने हवाई जहाज बनाई विज्ञान के छात्र के तौर पर? हाँ या ना जी? आपको बताते हुए हमको गौरव हो रहा है कि हम उस सनातन धर्म से हैं जहां पुष्पक विमान की व्यवस्था त्रेता युग में राम राज्य में थी। आपकी हवाई जहाज में, आप माइक लिए रहिएगा, आपकी हवाई जहाज में लिमिट लोग जा सकते हैं, हमारे पुष्पक विमान में कितने भी लोग बैठा दो एक सीट हमेशा खाली रहती है। और आपकी हवाई जहाज की गति सीमित थी, हमारे पुष्पक विमान की गति असीमित तो मन की गति से चलने वाला था। तीसरा, अगर आप विज्ञान के छात्र हैं तो आपको बता दें एक है भौतिक विज्ञान, एक है आध्यात्मिक विज्ञान, और दोनों ही विज्ञान अलग नहीं है। विज्ञान जहां से शून्य होता है अध्यात्म वहां से प्रारंभ होता है। अब आप मानते हैं कि आपने बंदूक बनाई, मानते हैं जी AK-47 दुनालू, देखी तो नहीं है, टीवियों पे देखी है, छू के तो नहीं देखी, दुनालू कट्टा, ये आप मानते हैं ना भाई? घर भी जाता है, ये भी मानते ना? हमारे वैदिक में भी ये व्यवस्था थी बाण के रूप में, और हमारे सनातन अपने, हमारे नहीं अपने, अपने सनातन धर्म में आप लोग जो बंदूक नहीं बना पाए वो अपने सनातन धर्म में कई हजार साल पहले सप्तवेदी बाण बना करके बता दिया था विज्ञान। अभी आपकी ऐसी कोई बंदूक नहीं बनी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।